महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बीजेपी ने शिवसेना को भेजा प्रस्ताव। बराबर सीटों पर लड़ने की कही बात। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, अब शिवसेना के जवाब का इंतजार। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, गठबंधन की छोटी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और शिवसेना 135-135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो छोटी पार्टियां हमारे साथ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में खड़े थे, उनको दिए जाने वाले सीटों को अलग करके उनको बकायदे आधे आधे में बांटने का प्रयास करने का प्रस्ताव है। शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरे ने कहा, सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना ने कहा, जिसको ज्यादा सीट मिलेगी उसी का सीएम होगा। हम चाहते हैं उद्धव ठाकरे सीएम बने। सीएम के बारे में यहाँ से हमेशा रहा है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक चुन के आएंगे उनका सीएम बनेगा, और उसमें हमारी सबकी इच्छा यही है कि उद्धव साहब सीएम बने। पूर्व सीएजी विनोद राय के लगाए आरोपों पर पहली बार बोले मनमोहन सिंह, कहा हमने निभाई अपनी ड्यूटी, दूसरों के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, दूसरे लोगों ने जो लिखा उस पर टिप्पणी नहीं। अपनी बेटी दमन सिंह की लिखी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल के लॉन्च पर पहुंचे थे मनमोहन सिंह। बेटी का भी विनोद राय के आरोपों पर बोलने से इनकार। विनोद राय जी हो या संजय बालू जी हो, एक के बाद एक बुक लिख रहे हैं, आपके फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, मैं इस बारे में क्या कहूँ? मतलब आप सब लोग, आप भी किताब लिख सकते हैं, आप भी किताब लिख सकते हैं, आप जैसे आपकी इच्छा, इसमें कोई किसी को रोकने का हक तो नहीं है ना। इंडियन नेशनल लोकदल के उपाध्यक्ष अवतार सिंह भड़ाना ने कहा, हरियाणा में बनेगी हमारी सरकार, तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। तो 6 महीने को तो उन्हें तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री की ओंख दिलाकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी के कारण पीएम नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 17 सितंबर को जन्मदिन पर ना हो कोई जश्न। मोदी ने लिखा, 17 को चीन के राष्ट्रपति गुजरात में होंगे, राष्ट्रपति का स्वागत होगा लेकिन जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में ताजा हालात को लेकर आज शाम कैबिनेट की बैठक, राहत और बचाव कार्य की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे अब तक 1,84,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, कई जगहों पर अब भी राहत के इंतजार में लोग। श्रीनगर के कई इलाकों में घट रहा है पानी, पानी निकलने के बाद एयरपोर्ट का रास्ता खुला लेकिन कई इलाकों में अब भी भरा है बाढ़ का पानी। बाढ़ से श्रीनगर के अस्पतालों का बुरा हाल। सीएम आवास से सटे गुपकार इलाके के एक अस्पताल में ना बिजली ना पीने का पानी, शहर के दूसरे अस्पतालों का भी यही हाल। श्रीनगर के कुर्सू इलाके में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी, लोग बाढ़ में 2 किलोमीटर चलकर ला रहे हैं पीने का पानी, पेड़ डालकर खुद ही बनाया रास्ता। आज तक से बातचीत में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, घाटी तबाह नहीं हुई है, करीब 2004 घर हुए हैं तबाह, सर्दी से पहले घर बनाने में लोगों की करनी होगी मदद। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिनसे हमें सियासत की उम्मीद थी वो मदद कर रहे हैं लेकिन जिनसे मदद की आस थी वो दावतनामे का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे, वो पता नहीं दावतनामे का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं उनको दावत दूंगा, फिर वो यहाँ आएंगे, फिर वो मदद करेंगे। अमेठी राजघराने में संपत्ति को लेकर खूनी जंग। कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में एक पुलिस वाले की मौत। रविवार को अमेठी पैलेस के बाहर पथराव और गोलीबारी, पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस। झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू। संबंध में थाने पे अभियोग दर्ज किया गया है और
जो भी मतलब दोषी होगा उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में की जाए। राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। रविवार शाम एक कैदी ने जेल में की खुदकुशी। जेल नंबर 8 में बंद था विचाराधीन कैदी शिराजुद्दीन। अवैध हथियार रखने के मामले में 6 मार्च को तिहाड़ जेल भेजा गया था शिराजुद्दीन। जेल के अंदर कैदी की खुदकुशी से तिहाड़ में हड़कंप। मायानगरी मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार इनोवा कार पोल से टकराई, एक शख्स घायल। वेस्टर्न एक्सप्रेस पर हुआ यह हादसा। बांद्रा फ्लाईओवर से उतरते समय ड्राइवर ने खोया संतुलन, पोल से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़ पलटी इनोवा, चालक के नशे में होने का शक। मुंबई से सटे ठाणे में एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में पुंछ के रहने वाले 6 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बैंगलोर के लालबाग में वाटर टैंक में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में हुआ हादसा। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों का अमानवीय सलूक। दिल्ली के गीता कॉलोनी में मवेशियों की तस्करी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। कई ट्रकों में की तोड़फोड़। लोगों ने पुलिस पर तस्करों के साथ मिलीभगत का लगाया आरोप। दिल्ली के विकासपुरी में ई रिक्शा चालकों की सभा। समाजसेवी संजय गुप्ता ने मौजूदा हालात के लिए एमसीडी और नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। रविवार को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक मकान में आग लगने से 5 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती, 3 की हालत नाजुक। दिल्ली में रोड रेज मामले में एक युवक की जमकर पिटाई। घायल शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उदयपुर एयरपोर्ट को एक शख्स ने किया धमकी भरा कॉल। जेल में बंद आसाराम को 15 दिन में रिहा नहीं करने पर उड़ाने बंद करवाने की दी धमकी। चैंपियंस लीग में मुंबई की धमाकेदार जीत। सदर्न एक्सप्रेस को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। सदर्न एक्सप्रेस ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखी थी 162 रनों की चुनौती। मुंबई ने 4 ओवर रहते ही मैच जीता। मुंबई की ओर से लेंडल सिमंस और हसी की तूफानी पारी। सिमंस ने 51 गेंदों पर बनाए नाबाद 76 रन। हसी ने 40 गेंदों पर बनाए तूफानी 60 रन। चैंपियंस लीग के दूसरे क्वालिफाइंग मुकाबले में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बड़ी जीत। लाहौर लायंस को 72 रन से हराया। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने लाहौर लायंस के सामने रखी थी 173 रन की चुनौती। लाहौर लायंस की पूरी टीम 18 ओवर में 98 रन पर ढेर। मोहब्बत की मिसाल। ताजमहल के साए में गुंजे दावत इश्क के सुर। फिल्म के सितारों के साथ लगी कव्वाली की महफिल। फिल्म के प्रमोशन के लिए आगरा में सजी महफिल। सुरों पर झूमते नजर आए आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने कभी भी ताजमहल अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा, तो पहले तो मतलब मुझे ऑलमोस्ट एक शॉक लगा। बहुत ही खूबसूरत है एंड आई एम सो ग्लैड कि आदित्य, साजिद भाई, वाजिद भाई सब लोग हमारे साथ हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम है तारू, वो लखनऊ से है, शेफ है, खुद बहुत खाता है एंड ही इज लुकिंग फॉर लव। बस उतना ही बताता हूं कि 19 सितंबर को रिलीज हो रही है, प्लीज वॉच द फिल्म। थैंक यू। आगरा से पहले दोनों कलाकारों ने अपनी फिल्म का जयपुर में किया प्रमोशन। दोनों को जबरदस्त कामयाबी की उम्मीद। आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में एक और ब्रिटिश नागरिक। डेविड हेन्स की मौत के वीडियो के आखिर में दिखी तस्वीर।
वीडियो में दिखा ब्रिटिश नागरिक का नाम एलन हैनिंग। आईएसआईएस की धमकी, अगर ब्रिटेन ने हमारे खिलाफ लड़ाई जारी रखी तो इसे भी मौत के घाट उतार देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। 250 एकड़ में फैली थी आग। खतरे को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। यूरोपियन यूनियन के कृषि उत्पाद पर रूस के लगाए बैन का एम्स्टर्डम में अनोखा विरोध। लोगों ने टमाटर फेंक कर जताया विरोध।